नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। जब सिंधिया ने किया विरोध का सामना। बता दें कि सिंधिया अपने 3 दिवसीय प्रवास पर गुना पहुंचे। कल शाम जब अशोक नगर से गुना आ रहे थे तब कई जगह युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए एवं सिंधिया वापस जाओ के नारे भी लगाए। इन सब के बाद भी सिंधिया डटे रहे। बता दें कि क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रवास पर अशोक नगर और गुना पहुंचे, जहां एक और अशोक नगर में भी उनका भरपूर विरोध किया गया। वहीं गुना के रास्ते में भी उन्हें आने पर विरोध का सामना करना पड़ा। पर इन सब में एक बात बहुत अच्छी थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की, वह ये थी कि वे पीछे नहीं हटे और जो लोग उनका विरोध कर रहे थे आगे बढ़कर उनसे बातचीत की। यह अलग बात है कि बातचीत के दौरान लोग सिंधिया विरोधी नारे ही लगाते रहे जबकि सिंधिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के चलते सिंधिया काफी देर से गुना पहुंचे। वार्ड क्रमांक 21 हड्डी मिल पर वह तकरीबन 11 बजे पहुंचे, जहां उन्होंने अपने व्यंगात्मक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नकल उतारते हुए भी नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले पर आते हैं, कभी जमीन पर अपनी जनता से नहीं मिलते। साथ ही जब अशोकनगर और मुंगावली में चुनाव थे उस समय अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। अब जब वो चुनाव हार गए हैं तो ये बात भी उड़न छू हो गई। साथ ही अपनी सभा में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नोटबंदी करके भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के पेट पर लात मारी है, उसी तरह से आगामी चुनाव में सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बंदी कर देना चाहिए। 15 साल शिवराज जी आते हैं जन आशीर्वाद के लिए रथ के ऊपर सवार होते हैं, यहाँ तो आएंगे उड़न खटोले में टपके। जब कोलारस और मुंगावली का उपचुनाव है मेरे भाइयों और बहनों, किसान मेरा भगवान है, मैं उनका पुजारी हूँ। और जब हमारे बामोरी के विधायक मंच से बोलने लगते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि सच्चाई उनको स्वीकार नहीं। आप मंचासीन जो भी कार्यक्रम करो, मुझे मंच की चिंता नहीं है, मुझे शिला पार्टी का की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि मेरा नाम मेरी जनता के दिल में अंकित हो जाना चाहिए। जिस सरकार ने आपके ऊपर नोटबंदी लगाई है, केंद्र सरकार ने, जिस प्रदेश की सरकार ने आपके ऊपर बॉन्ड की बंदी लगाई है किसानों के ऊपर, जो मंदसौर की घटना हुई, नोटबंदी और बॉन्ड के बंदी के जवाब में नवंबर के माह में गुना की जनता
इस भाजपाइयों पर वोट बंदी लगा देना। उस समय ग्वालियर की याद नहीं आई, केवल मुंगावली और कोलारस की याद आ रही थी। और जब जनता ने जवाब दे दिया, गायब हो गए और स्मार्ट सिटी भी गायब हो गया। मिल बांचे कार्यक्रम का आयोजन शासकीय माध्यमिक विद्यालय चांचौड़ा में हुआ। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार मिल बांचे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिल बांचे कार्यक्रम में वॉलंटियर के रूप में चांचौड़ा की विधायक ममता मिलान को आना था, लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण उनके प्रतिनिधि और जनपद उपाध्यक्ष राम सेवक मीणा विद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। सरस्वती माँ की पूजा अर्चना के बाद मीणा ने अपने जीवन के संस्मरण के बारे में छात्रों को बताया और सभी बच्चों को बताया कि घबराएं नहीं, संघर्ष करें और अच्छी पढ़ाई करें। इसके बाद मीणा के साथ साथ बीआरसी दशरथ सिंह मीणा और सभी शिक्षकों ने वृक्षारोपण भी किया। चांचौड़ा से हमारे संवाददाता शिवम नामदेव की रिपोर्ट। आरोन में पूर्व विधायक स्वर्गवासी मूल सिंह जी दादा भाई की स्मृति में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पहले लोगों ने दिखाए काले झंडे एवं बीजेपी कांग्रेस को लेकर लगाए मुर्दाबाद के नारे। SC ST एक्ट के खिलाफ लोग आए सड़कों पर, पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। वहीं लोगों ने सिंधिया के पोस्टर भी फाड़े। मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। फिर राजनीतिक हलकों में सब स्तब्ध रह गए जब सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायक जयवर्धन सिंह ने साथ में दौड़ लगाई। मौका था पूर्व विधायक मूल सिंह दादा भाई स्मृति में मैराथन का। आपको बता दें कि सिंधिया अपने 2 दिवसीय प्रवास पर गुना आए हैं, वहीं आज वो आरोन पहुंचे, जहां पर उन्होंने मूल सिंह दादा भाई की स्मृति में मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। वहीं सब लोग हक्का बक्का रह गए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे एवं विधायक जयवर्धन सिंह दोनों ने साथ में मिलकर दौड़ी। आलम यह था कि सिंधिया के साथ आए सुरक्षा कर्मी भी दौड़ में उनका साथ नहीं दे पाए। तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक दौड़ पूरी की गई इन दोनों के द्वारा। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। शासकीय माध्यमिक विद्यालय धरनावदा में मिल बांचे कार्यक्रम का माँ सरस्वती की वंदना कर शुभारंभ किया गया, जिसमें जन अभियान परिषद के सदस्य अरुण बैरागी, देवेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा, स्वच्छता, संस्कार, खेल पर बच्चों को रूबरू किया। वहीं बच्चों को समझाने के साथ साथ अपने अनुभव भी साझा किए। साथ ही बताया कि विद्यार्थी का शारीरिक व मानसिक विकास हो, उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दें। वहीं नितिन शर्मा ने बच्चों को संस्कारवार बनाने पर जोर दिया। 29 अगस्त 1905 में एक लड़के का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ऐसे में जब अपने ऊपर
ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत मतलब अंग्रेजों का शासन था। उस टाइम अपन संघर्ष कर रहे थे किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। उसी बीच एक शख्स का जन्म हुआ 1905 में, मेजर ध्यानचंद, जो कि पहले मेजर ना होकर केवल ध्यानचंद थे। मेजर की उपाधि कैसे मिली बताता हूँ। उन्होंने, उनको खेलने का बहुत शौक था, थोड़ी पढ़ाई का भी शौक था, लेकिन अपन ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे तो अपन पढ़ाई भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बड़े पद जो थे उस पर केवल अंग्रेजी थे। बहुत ऊंचा पद दे दूंगा तो आपको आपके देश ने दिया क्या है। तो उसने बस एक ही शब्द बोला जो आप सबको अपने मन में उतार लेना है कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझको ऊंचा ले जाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश को ऊंचा ले जाऊंगा। तो यही बात अपन को आज ध्यान रखनी है, जो कि किसने बोली थी, मेजर ध्यानचंद ने, जिन्होंने कि अपन को ओलंपिक में गोल्ड दिलाया हॉकी में। उन्हीं की याद में 29 अगस्त को आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये प्रदूषण से ग्रसित हो चुके हैं, तो प्रदूषण को अपन कम कैसे कर सकते हैं, क्या कोई हाथ खड़ा कर सकता है जो प्रदूषण कम करने के दो उपाय बताए? कोई भी हाथ खड़ा करके थोड़ा एक ही बात बता दे, अपन प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद दास, हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। मिल बांचे कार्यक्रम शासकीय प्राथमिक विद्यालय झागर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का संदेश सुनाया गया, साथ ही वॉलंटियर आरती करार एवं कविता पाल ने बच्चों से बातें की एवं रोचक बातों का आदान प्रदान किया। साथ ही शाला प्रभारी राधेश्याम श्रीवास्तव ने बच्चों को एक रोचक कहानी भी सुनाई। काशीराम किरार ने छात्र छात्राओं के बीच अपने विचार रखे। झागड़ से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। बक्सनपुर में भी मिल बांचे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राम प्रसाद सहरिया और मूलचंद्र गुप्ता एवं शिव प्रताप सिंह रघुवंशी उपस्थित रहे। वहीं मूलचंद्र गुप्ता ने विद्यालय के बच्चों में स्कूल बैग, पानी की बोतल एवं चित्रकारी करने का रंग वितरित किया। झागड़ से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। इधर देखा और बेटा, ये मध्य प्रदेश सरकार का मिल बांचे कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों ने जो पढ़ा है, मतलब हम सब मिलके बच्चों को पढ़ाई के लिए और आगे उत्साहित करें, इसके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। तो इस संबंध में मुझे जो है यहाँ के स्टाफ ने बताया था
तो मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम में कुछ अपने को मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आया। और आने के बाद में मैंने बच्चों के लिए देखा तो स्कूल बैग वगैरह जो बच्चों के काम की चीज़ थी, तो मैंने बच्चों को स्कूल बैग, पानी की बोतल आदि बच्चों को दी। इससे बच्चों में उत्साह रहे और बच्चे जो है पढ़ाई में मन लगा के आगे बढ़े और भी आगे पढ़ते रहे, इसके लिए मैंने ये कार्यक्रम जो है मैं आया था। सर करीब यहाँ कितने बच्चों को आपने? यहाँ स्कूल में 26 बच्चे थे, उन 26 बच्चों के लिए मैंने जो है एक एक बैग, स्कूल बैग और एक एक पानी की बोतल। चाचौड़ा में कंटेनर हुआ अनियंत्रित, जिससे एक गाय और उसके बछड़े की मौत हो गई। चाचौड़ा तहसील के गांव के समीप हाईवे पर एक कंटेनर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसका टायर फूट गया, जिससे वाहन नियंत्रित होकर सड़क से आ रहे गाय और बछड़े को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक भैंस भी कंटेनर के नीचे दब गई, जिसको गाँव वासी निकालने का काफी प्रयास करते रहे। अरे मैं घबरा बस सही हो गए। अरे मत घबरा तू, रो काई बर रही ए अड़वाद दे उनमें रो बस सही सही मत। अरे पैसे अजीर है, खोद दो नीचे चलो, खोद दो बावड़ा से नीचे चलो, खेल दो बजियान बच। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। स्थायी वारंटी को पकड़ने आई पुलिस हुई एक्सीडेंट का शिकार, जिसके बाद जिला चिकित्सालय में उन्हें भर्ती कराया गया। बता दें कि आगर जिले से टीम शिवपुरी गई थी, जहां पर एक स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी होना था। उक्त पुलिस टीम जब शिवपुरी से वापस आ रही थी, तभी बीनागंज बाईपास पर तेज गति से होने के कारण रोड पर गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। गाड़ी का संतुलन खोते ही उसमें सवार आरक्षक एवं पुलिसकर्मी साथ में मुलजिम भी चोटी हो गए। इन सभी को 108 से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर ASI की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपने संसदीय क्षेत्र गुना पहुंचे क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से SC ST एक्ट का विरोध हो रहा है, तो उसमें उनका क्या रोल है, जिस पर उन्होंने कहा कि वह किसी के साथ गलत होना नहीं देंगे। उन्होंने यहाँ पर एक बार भी ये नहीं कहा कि वह इस एक्ट के विरोध में है या उसके साथ, हालांकि वह लगातार ये कहते रहे कि वह किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। मेरा बयान स्पष्ट है, क्षेत्र के केवल सांसद नहीं लेकिन परिवार का मुखिया होने के नाते, केवल गुना शिवपुरी अशोकनगर क्षेत्र नहीं लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग, मेरा दायित्व है कि यह देखना कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अन्याय न हो। और यह मैंने 16 साल के जनसेवा के इतिहास में मैंने करके दिखाया है। जो आशंका आज है, जो आज चिंता है कि निर्दोष व्यक्तियों को न फंसाया जाए, कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी गलत कार्रवाई ना हो। लेकिन एक्ट में तो बिल्कुल उसी का विरोध है कि निर्दोष ही कहीं ना कहीं फंसेंगे। वही तो मैंने कहा ना आपको कि मेरा दायित्व है कि ये देखने के लिए कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध
कोई भी गलत कार्रवाई ना हो, सही सही हो, गलत गलत हो। अगर कोई व्यक्ति दोषी है किसी भी विषय में, केवल इस विषय में नहीं, किसी भी विषय में। वहीं जब उनसे कांग्रेस की भूमिका के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ में लेकर चलती है। कांग्रेस का यही स्टैंड होगा संसद में जब भी लड़ता है। कांग्रेस पार्टी सभी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव सबके साथ न्याय किया है। हम लोग की सोच विचारधारा है कि भारत तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जात, हर व्यक्ति को इकट्ठा करके साथ में लेकर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि वह एक्ट के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं या नहीं। जब उनसे इस एक्ट के परिवर्तन को लेकर किसी ऐसे विकल्प के बारे में पूछा गया कि किसी को नुकसान ना हो, तो सिंधिया ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि विकल्प निकलने का काम तो सरकार का है। 280 सांसदों की बहुमत उनकी है तो जिम्मेदारी उनकी होती है। जिस तरह से मेरा दायित्व तो है एक सांसद के रूप में क्षेत्र में अन्याय ना हो, और चाहे वो पूर्व में हमारे ASI सतीश रघुवंशी का मामला हो, चाहे प्रीति रघुवंशी का मामला हो, मैंने वो आवाज सदैव उठाई। छोटे से छोटे विषय से बड़े विषय थे, और उस दायित्व का निर्वाह मैं करूंगा। मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी की बात सुनती है, BJP की तरह नहीं जो किसी की बात नहीं सुनती। इसलिए उन्होंने मेरा विरोध किया तो मैं उनके पास भी उनकी बात सुनने के लिए पहुंचा। BJP किसी की नहीं सुनती, वो सभी के साथ और मीडिया के साथ भी यही करती है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज़ कुचलने की कोशिश करती है। यह सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर रही है। और आपका दायित्व है कि मेरी बात आप सुनो, और इसलिए मैं चल के गया सबकी बात सुनने के लिए। जो लोग सरकार के दिखाए हुए पथ पे ना चलें, उनको पकड़ के कुछ लोग डिक्टेटरशिप वातावरण पूर्ण देश में निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही एक सेफ्टी वैल्व है जो इस देश में प्रजातंत्र बचा के रखती है, और नहीं तो वो प्रेशर कुकर बस्ट होगा। पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खामोश करने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में सरकार को भी मिलेगा। और पर हां, इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कई बार कुछ लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं, और इसलिए कल मैं गया सबकी बात सुनने के लिए। कम से कम मुझे लगना चाहिए कि आप मेरी बात सुनते रहे हो। अगर आप नहीं सुनो, जो कहें कि केवल जो हम कह रहे हैं उस बात को सुनो, हमें हर व्यक्ति की बात सुननी होगी। और इसलिए अशोकनगर में मैं स्वयं पैदल चल के मैं उन सब के पास गया, मैंने उनकी बात भी सुनी, उनका ज्ञापन भी मैंने लिया। हाँ, उनका मत हो सकता है, आपका मत हो सकता है, दूसरे लोगों का मत हो सकता है, हमारा दायित्व तो है कि हम सबकी मत सुने। ये नहीं कि केवल जो हम निर्णय करें कि वही सही है, यही तो प्रजातंत्र को मजबूत करेगा। नोटबंदी पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने 7 तारीख को बिना RBI से पूछे नोटबंदी पर फैसला ले लिया और 8 तारीख को संसद में बिल पास करवा दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। वो अब पूर्ण रूप से जनता के बीच में उतर गया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च आर्थिक संस्था, को दबाव में डालकर आपने पूरे देश में नोटबंदी का ऐलान किया, नवंबर को आपने RBI की बोर्ड मीटिंग बुलाई, 8 नवंबर को उस बोर्ड मीटिंग में आपने नोटबंदी पारित कर दिया, कोई चर्चा नहीं, कोई नोटिस नहीं,
अब राजेंद्र यहाँ आरबीआई के मेंबर हैं, इनको मतलब नोटिस में कोई सूचना नहीं कि इसमें नोटबंदी की चर्चा होने वाली है। बुलाया, हस्ताक्षर लिया और पारित कर दिया, और उसी 8 तारीख की शाम को आपने कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली। तो ये अगर स्वतंत्रता संस्थान, और जिसमें रघुराम राजन ने, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने ऑलरेडी कह दिया था कि नोटबंदी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गहरा परिणाम लाएगा। कल से शुरू होगी राष्ट्रीय डाक विभाग में बैंकिंग प्रणाली, जिसके संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं डाक विभाग के प्रमुख आर एस तोमर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार डाक विभाग अब हर घर जाकर लोगों के खाते खोलेगा। वहीं इस बैंक की खासियत ये रहेगी कि इसमें किसी को भी डाकघर आना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये काम डाकिये करेंगे। बता दें कि किस तरह से काम करेंगे डाक विभाग के डाकिये। जब भी किसी खाताधारी को बैंक में पैसे डलवाने हो या निकासी करनी हो, तो उसे केवल एक फोन करना पड़ेगा, जिसके बाद उसके घर पर डाकिया पहुंचेगा, वहीं पर पैसों का लेन देन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो भी खाता खोले जाएगा वो जीरो बैलेंस का खाता खोला जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि डाक विभाग इस योजना को सुचारू रूप से चला पाएगा, क्योंकि पहले भी कई सारे मामले में देखा गया है कि डाक विभाग की गलती के कारण कई लोगों के उपयोगी दस्तावेज गायब हो। उसको भी आप QR कार्ड के थ्रू आप जो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वो डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, तो वो भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। पोस्टल जितनी सर्विसेज है वो आप डिजिटली, जिसके लिए कैश देना पड़ता था आपको, जैसे कोई भी करना है आपको, MIS करना है, कुछ भी करना है, तो वो वाली चीज़ें आप पूरा चेंज हो जाएगा। इसके बदले में क्या लेंगे आप? इसके बदले में देखिए, अगर काउंटर से कोई भी जो ट्रांजेक्शन करता है, यहाँ BO से करे या HO से करे, अगर ब्रांच में जाके करता है तो इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। इनफैक्ट आप पर्सनलाइज सर्विस चाहते हो, बंद जो पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके घर जाके ट्रांजेक्शन करेगा। तो अगर आप कैश का कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो ये 25 rupees चार्ज लगेगा, प्लस GST जो भी है उसका, ठीक है, 18% है। और नहीं, ये राशि के ऊपर रहेगा या फिक्स? राशि के ऊपर नहीं रहेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स रहेगा ये। और अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो घर बुला के किसी को, तो आप ट्रांसफ़र के लिए आपका 15 rupees 40 paise रहेगा, वो इंक्लूडिंग GST रहेगा आपका। डेबिट बैंक का लॉन्चिंग समारोह है, ये राष्ट्रीय समारोह है, और दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय इसको लॉन्च कर रहे हैं। उसी परिवेश में, उसी सेम टाइम में हम लोग यहाँ लॉन्च कर रहे हैं गुना में। हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली से माननीय थावरचंद जी गहलोत हैं, और स्थानीय विधायक साग जी, पन्नालाल जी हमारे अध्यक्षता करेंगे, और सभी विधायकों, सभी को हमने आमंत्रित किया है, और सभी से अपील है कि समारोह में भारी मात्रा में उपस्थित हों, और जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको सफल बनाएं। सर, इससे थोड़े फायदे क्या हैं? ये ग्रामीण और छोटे तबके के जो हमारी जनता है, जो बैंक से जो लाभ होती है बैंकिंग सेवाओं का, वो तनी उठा पाती है डाकघर के माध्यम से, IPB बैंक के माध्यम से हम उनको खाते खोल लेंगे, और उसमें उनको QR कार्ड जारी करेंगे हमारे मोबाइल पर। अभी तो जीरो बैलेंस से खुले हैं आज तक, आगे हमारे करेंट अकाउंट खुलेंगे, और हमारा पोस्टमैन घर घर जाके खाता खुलेगा। जनता को पेमेंट के लिए, खाता खुलवाने के लिए अब किसी बैंक में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी पोस्ट ऑफिस में। अगर उनकी डिमांड आएगी उनका पेमेंट भी करेंगे घर पर, और इसके आपका जो बैंक के माध्यम से आप बिजली के बिल, आप नगर पालिका के पानी के बिल, आप अपना मोबाइल स्टेशन, ये सभी प्रकार के जो ई मेल हैं आप उसका आपने उससे इसी खाते के माध्यम से ऑनलाइन कर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रसाल में आयोजित किया गया तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण कार्यक्रम। जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक का वितरण इस कार्यक्रम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान मौजूद रही। मुखिया का नाम मोहन है, मोहन पिटारा, सुन्नी भाई बस्ता, ये उनकी संग्रह पुस्तिका यहाँ पर मेरे पास है। इंसान कहलाता है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी
कि हम गरीबों का साथ जरूर दें, सभी अधिकारियों से, सभी मीडिया बंधुओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहूंगी कि हम जितना बन सके उतना उन गरीबों का साथ दें। अगर उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है तो हम उन्हें समझा के और उस योजना का लाभ जरूर दिलाएं। तो आज इस जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित गुना द्वारा आज के इस कार्यक्रम में तेंदुपत्ता संग्रह बात करें, बेरखेड़ी समिति में ही श्री जगदीश पुत्र श्री प्रभुलाल इन्हें 22,621 रुपए की राशि का चेक वितरण माननीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा यहां पर वितरित किया जा रहा है। इन्होंने तेंदुपत्र संग्राहक में 22,621 रुपए की राशि जगदीश पुत्र श्री प्रभुलाल, तीसरे क्रम पर है श्रीमती जानकी बाई पत्नी श्री बंसीलाल मिशन बड़ा एक, श्रीमती जानकी बाई पत्नी श्री बंसीलाल 22,362 रुपए की राशि का चेक वितरण तेंदुपत्र संग्राहकों को माननीय अतिथियों द्वारा यहाँ मंच से दिया जा रहा है। बाकी लोगों को उनके समिति के नाम के अनुसार यहाँ से कंचनपुरा समिति के श्री काशीराम पुत्र श्री बदिया श्री 21,461 रुपए, और ये आप देखिए जब जाते हैं तो पहाड़ होता है और पहाड़ पर एक पानी नहीं होता है, और पानी जब नहीं होता तो प्यास लगती है, और जब तेंदू का पत्ता तोड़ने जाते हैं तो घने जंगल में पानी नहीं मिलता, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता की है। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।